कि कैसा रहा। बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग। 2021 के फर्स्ट सवाल संडे में आप सभी का स्वागत है। और इस सवाल संडे में भी मैं आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ कमेंट के भी आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब आप सोचेंगे कि कमेंट और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। कमेंट अलग चीज़ होती है और क्वेश्चन अलग चीज़ होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं क्वेश्चन और कौन कौन से हैं वो कमेंट, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो अपना माइंड थोड़ा सा क्लीन नहीं रखना चाहते हैं और वो सारी गंदगी यहाँ लाके डालते हैं मेरे चैनल पे, मैं उनसे बहुत क्लियर तरीके से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल से दूर रहिए, अदरवाइज मैं आप सभी को ब्लॉक कर दूंगी। बहुत क्लियर आंसर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने माइंड की निगेटिविटी यहाँ पे लाके डालिए। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी भी बातें सुनूँ और उसे भी डाइजेस्ट करूँ या मैं चुपचाप सुनूँ, तो ऐसा नहीं है। बोलना हर किसी को आता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपने अपना लेवल गिरा रखा है और मैं अपना लेवल गिराना नहीं चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ अगर आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो ढंग से, अदरवाइज दूर रहिए। दूसरा पॉइंट जो कि मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, वैसे तो मैं हमेशा ही सभी के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, बट फिर भी सवाल संडे मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बैक टू बैक आते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं उन सभी का आंसर जो होता है वो सवाल संडे में शेयर करती हूँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये वीडियो होने वाला है बेयर फेस, क्योंकि पिंपल महाराज आ चुके हैं, तो मेकअप थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, वो भी है आई थिंक बायोटिक का। मैंने यूज़ किया है, आई गेस मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, लिपस्टिक काजल, बस इतना ही। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं अपने एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रही हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने हर वीडियो में, हर स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर वीडियो में जब भी मैं रिव्यू शेयर करती हूँ तो मैं ये पॉइंट जरूर शेयर करती हूँ कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी प्योर क्यों ना हो, बिना पेस्ट टेस्ट के कभी भी उसे अपने फुल फेस या फुल बॉडी पे अप्लाई ना करें। आई नो कि आप लोग वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते हो, जिसका एग्जाम्पल है हिमालय का फेस वॉश, जिसमें मैंने बहुत क्लियर तरीके से बोला है कि वो फेस वॉश मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से ही मुझे ये पिंपल्स हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि इसमें 90% कमेंट यही आया है, अरे 65 रुपीज में है, बहुत अच्छा, बहुत अफोर्डेबल फेस वॉश है। आई नो, मुझे कमेंट से ही पता चल गया कि आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं या सुना ही नहीं, सिर्फ ऑन किया, कमेंट कर दिया, हाँ हमने देख लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिर्फ उस वीडियो पे 2 कमेंट ऐसे आए हैं जिनके पढ़ने के बाद, जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इन्होंने इस वीडियो को देखा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ मुझे पता चल गई है। अब बारी आती है कमेंट की, तो मैंने एक आई थिंक पोर्स का कुछ प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था 10-12 महीने पहले, तो उस पर कमेंट आया है कि जब सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं तो पेस्ट टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, बेवजह प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो वीडियोस मत देखा करिए। दूसरी बात, कम से कम चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, कम से कम एक बार चेक तो कर लीजिए कि पेस्ट टेस्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपके पास फ़ोन होगा तभी आप वीडियोस देख रहे हैं, तो एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि पेस्ट टेस्ट करना आपकी स्किन के लिए सही है या नहीं। और एक बात और, यूट्यूब पे हजारों ब्यूटी ब्लॉगर हैं जो आपको प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने 10% ब्यूटी ब्लॉगर को देखा है जो कि आपको कहते हैं पेस्ट टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज तो भैया जाके खरीद लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जाके खरीद लो। तो एटलीस्ट किसी ऐसे को देख के आओ, नहीं नहीं बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपको यूज़ कर लेना चाहिए, तो किसी और के चैनल पे आके अपनी गंध मत फैलाइए। चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
पैच टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रोडक्ट का ऐड कर रही हूँ या फिर मैंने वो प्रोडक्ट बाय किया है। अगर आप कमेंट करने से पहले वीडियो को अच्छे से चेक किया होता तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता कि प्रोडक्ट वो कैसा है, पहली बात समझे। अब आई नो कि मैं थोड़ा सा गुस्से में बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद ना कोई आपके ऊपर फूल नहीं बरसाएगा। मतलब कोई आपको सही चीज़ बता रहा है कि भाई बिना पैच टेस्ट किए मत यूज़ करो, तो आप उसको ब्लेम कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई। तो ऐसी सोच है तो दूर रहिए चैनल से, तभी अच्छा है। अब बारी आती है मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर की, जो लोग सच में वीडियोस को देखते हैं या फिर जिनके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूट नखरे वाली का, दी मामा अर्थ की सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद कुछ आर्स में स्किन वाइट हो जाती है और जब फेस को वाइप करते हैं तो बहुत वाइट वाइट निकलता है। हो सकता है, मैं ये कभी मना नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने मॉर्निंग में ही एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया है, गुड वाइब्स की सनस्क्रीन, मेरे साथ इस सनस्क्रीन के साथ होता है। लेकिन जहाँ तक रही बात मामा अर्थ की सनस्क्रीन की, तो मामा अर्थ में मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि मैंने उसे आउटडोर भी यूज़ किया है और इनडोर भी यूज़ किया है। मतलब जब मैं बाहर निकलती हूँ कभी, मास्क के नीचे भी मैं उसे वेयर करती हूँ, तो फिलहाल मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा हो रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए प्रोडक्ट एक ही जैसा हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप एक काम किया करिए कि सनस्क्रीन से पहले मैट मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मतलब मैट होता है तो वो आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे बाहर जा रही हैं या आपको लगता है कि आपका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी या ऑयली हो गया है, तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए, वो उससे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ट्रेस्मे के हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू वाले वीडियो पे, मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं कि हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम क्या करें। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई कर चुकी हूँ, चाहे शैम्पू हो, ऑयल हो, कंडीशनर हो, हेयर मास्क हो, और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। तो उनमें से जो प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, हर कंडीशन में, हर वेदर में उसने मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट किया है, मैं वही प्रोडक्ट आप लोगों को ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ अगर आप सही से ध्यान दें तो। पहला है बियर्ड हुड का अनियन शैम्पू, मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर किया है। और दूसरा है बायोटीक का माउंटेन एबनी वाइटलाइजिंग सीरम। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या दो मुँह बालों की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं बीच में से, तो आप ये दो प्रोडक्ट ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितने लोगों को रिकमेंड किया है बियर्ड हुड शैम्पू और बायोटिक का ये हेयर फॉल डिफेंस सीरम, ये दोनों के ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का फेस मॉइस्चराइजर लोशन को फेस पे यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है मंजू छिकारा ने। तो इनकी स्किन जो है वो ड्राई है। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि हिमालय में कई सारे फेस मॉइस्चराइजर आते हैं। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो मेरे पास हिमालय का ये जो विंटर डिफेंस है ये यहीं पे रखा था, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू शेयर बात करूं तो ये ड्राई और वेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। हिमालय में एक जो मैंने नायका के पिंक फ्राइडे सेल में शेयर किया था, वो तो फिलहाल बॉडी के लिए है, आपके फेस के लिए नहीं है। हिमालय में एक मॉइस्चराइजर आता है जो कि ऐसे बॉटल शेप में आता है, भी आपकी बॉडी के लिए है। थर्ड पॉइंट ये है कि हिमालय में एक सेम ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही आता है मॉइस्चराइजर, लेकिन वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो अगर आप इसकी बात कर रही हैं या सेम जो ऐसे ही आता है उसकी बात कर रही हैं, तो ये दोनों ही फेस के लिए हैं, आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पिंक फ्राइडे सेल में शेयर किया था या जो बॉटल में आता है, वो दोनों बॉडी के लिए हैं, तो आप उसे फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बॉडी वाले प्रोडक्ट को आप कभी भी अपने फेस पे अप्लाई ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजुका का, आई थिंक मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, क्या कैस्टर ऑयल से डार्क सर्कल चले जाएंगे। हाँ,
बिल्कुल चले जाएंगे। डार्क सर्कल, अगर मैं कैस्टर ऑयल की बात करूं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले क्लियर कर देती हूँ कि मेरे फेस पे, आईज पे, वो पांडा वाली आईज नहीं है। मैंने बहुत बार शेयर किया है, अभी भी मैं बिना मेकअप ही हूँ, तो जो भी है आप देख सकती हैं। लेकिन बहुत बार डार्क सर्कल होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, बहुत ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप पे काम करने की वजह से, या जब नींद प्रॉपर पूरी ना हो उसकी वजह से। तो कई रीज़न होते हैं डार्क सर्कल के, और कुछ होता है जेनेटिक भी होता है। तो अगर आपके मतलब मम्मी पापा दादी दादा किसी में भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो जब भी मेरे फेस पे, सॉरी आईज पे डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल कैस्टर ऑयल लेती हूँ। अभी मेरे पास ऑरिगेंस का कैस्टर ऑयल है, बस थोड़ा सा, 2-4 ड्रॉप्स रिंग फिंगर पे लेके और अच्छे से अप्लाई करके मसाज करती हूँ। मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये फिंगर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा लाइट होती है, सॉफ्ट होती है आइस के लिए। हल्के हाथों से, हल्के फिंगर से मसाज करिए, कम से कम 1 से 3 मिनट या 5 मिनट, जो भी आप कर सकती हैं। और उसके बाद थोड़ी देर तक ऑयल को ऐसे रहने दीजिए। अगर आप ओवरनाइट रख सकती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत बार ओवरनाइट नहीं रखती हूँ। मैं अपना पॉइंट क्लियर कर दूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी मेरे पास टाइम रहा, तो मैं उसे वैसे ही लगा रहने देती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, 2-4 ड्रॉप्स इनफ है। इससे होता ये है कि जो भी डार्क सर्कल होते हैं वो धीरे धीरे लाइटन हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि ट्राई और टेस्टेड तरीका है, मे बी आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आई नो, प्लीज़ इसे निगेटिव में मत लीजिएगा, लेकिन समझिएगा, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, दोनों चैनल पे गिव अवे चल रहे हैं। तो मुझे प्रूफ मत भेजिए इंस्टाग्राम पे या यहाँ वहाँ। मैं अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मतलब जितना रह सकती हूँ। तो मैं देखती रहती हूँ कि हाँ, कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा है। बहुत बार लोग आते हैं वीडियोस पे, कमेंट करके जाते हैं कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया, इन्वाइटेड बाई दिस एंड दिस। लेकिन सब्सक्राइबर भी तो बढ़ने चाहिए। आप लोग कमेंट करके गायब हो जाते हो, सब्सक्राइब तुरंत कर लिया उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो देखिए, मुझे, मैं बहुत क्लियर बोलूँगी, मुझे ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई सारे गिव अवे कर रखे हैं जो कि जेन्युइन हैं। जितने भी लोग हैं जो कि अभी भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग तो गिव अवे के बाद गायब हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे से बात करके देख लीजिए। मैंने कभी भी अपने गिव अवे में ऐसे नहीं किया है कि मैंने गिव अवे किसी अपने को दिया है, मैंने गिव अवे अपनी TMU फैमिली में दिया है। तो प्लीज़ मुझे प्रूफ मत भेजा करिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं 1 घंटे चेक करूं, मैं ये मैसेज, 4 मैसेज, 10 मैसेज, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट, सॉरी, दूसरा पॉइंट गिव अवे से ही रिलेटेड ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप अदर वीडियोस पे भी तो कमेंट करो। सिर्फ गिव अवे वाले वीडियो पे ही सारे कमेंट क्यों आते हैं, इन्वाइटेड बाई दिस एंड दिस, या फिर मैं इस गिव अवे में पार्ट ले रही हूँ। अरे, गिव अवे चल रहा है तो हर वीडियो के लिए गिव अवे है, सिर्फ एक वीडियो के लिए गिव अवे नहीं है, गिव अवे पूरे चैनल के लिए है। नेक्स्ट, मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने एम किया था कि 2020 में मेरे 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, बट हो नहीं पाया। कोई नहीं, देखते हैं जितनी जल्दी 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छा है। फिलहाल पीछे भी आप लोगों ने साथ दिया है, आगे भी साथ देते ही रहिएगा। और एक पॉइंट, इससे पहले कि मैं इस सवाल संडे को रैप करूं, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी मेरा जेन्युइन या रेगुलर सब्सक्राइबर उस पॉइंट को माइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो कमेंट या वो पॉइंट जो था वो आप लोगों के लिए नहीं था। कुछ लोग आते हैं ऐसे बेमतलब के कमेंट करके चले जाते हैं। पहले मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया करती थी, बट अब इग्नोर नहीं हो सकता है। हर किसी के मतलब इग्नोर करने की या बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है।
अच्छा एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आया, आप में से किसी ने पूछा था कि आपका 2020 के मतलब 2020 कैसा रहा? एक वर्ड में बोल दूं, बहुत बुरा। मतलब आई नो कि बहुत लोगों के लिए बुरा था 2020, लेकिन अगर उन सबका कंपटीशन किया जाए ना, तो मुझे पता है कि मैं पहले नंबर पे आऊंगी। मेरे लिए इतना बुरा था, इतना बुरा था, मेंटली, फिजिकली, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरह से। मतलब मैं तो भगवान से यही कहूंगी कि ये 2020 ना मेरी लाइफ में दोबारा ना आए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए बस मतलब हर पॉइंट हर कोई शेयर नहीं कर सकता है। आई नो मेरी पर्सनल लाइफ है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, या मैं ऑन कैमरा नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना भगवान जी से कहती हूँ कि 2020 मेरी लाइफ में दोबारा लौट के ना आए, बस फिलहाल तो यही कह सकती हूँ। तो ये था मेरा आज का सवाल संडे। आई नो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, या मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के नहीं लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना था। निगेटिविटी ना कोई एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है, और मेरे बर्दाश्त करने की हद ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 2020 में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब 2021 में मैं किसी से कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक, बस एक ही चीज़ है। बाकी जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो आज के इस सवाल संडे को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और जो भी आपके थॉट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट सवाल संडे के लिए आपके जो भी क्वेश्चन हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।